नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। राजद में घमासान मचता चला जा रहा है और जिस तरह से जगदानंद और तेज प्रताप के बीच जो युद्ध छिड़ता चला जा रहा है, आज तेज प्रताप यादव ने बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो ऐलान कर दिया है, एक बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। अब देखिए क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव ने। संगठन हुए या रैलियां हुई तो हमने क्या लगातार हमने नहीं बोला कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? हमने तो हमेशा बोला कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इन लोग को लग रहा है कि किस तरीके से इन लोग की जो कृष्ण और अर्जुन की जो जोड़ी है किस तरीके से तोड़ी जाए। इन लोग का मेन मकसद यही है। हमने बार बार यही बोला है कि आप चाहे जगदानंद हो, देखिए कुर्सी है तो कुर्सी पर कोई किसी की पुश्तैनी नहीं है कि कुर्सी पर आज कोई बैठा है तो बैठा ही रहेगा हमेशा। तो ये हम कहना चाहते हैं कि छाप ऐसा छोड़िए कि जनता और जन जन में आपका नाम हो। छाप ऐसा छोड़ना चाहिए। इस तरीके का आप आरोप लगाते हैं, किसी को भी हटा दिए। हमसे पूछे वो छात्र, हम संरक्षक हैं, हमसे तो नहीं पूछे उन्होंने। उनको पूछना चाहिए था, सबसे राय मशवरा लेना चाहिए था। सीधे आए, आने के बाद एक तो इतना आए नहीं, राष्ट्रीय ध्वजा को भी उन्होंने अपमान करने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनको राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका अपमान करने का इन्होंने काम किया। इनके ऊपर तो ऐसे ही मुकदमा होना चाहिए, इनके ऊपर तो इसके आधार पर मुकदमा होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए इसके आधार पर। राष्ट्रीय जनता दल के अपने नियमों के विरुद्ध जाने का काम किया है। अगर इनके ऊपर हम आदरणीय पिताजी से जो अपना भगवान मानते हैं उनको, हम उनसे भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनने का काम कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में हम शामिल नहीं होंगे। ये मेरा स्पष्ट कहना है आपके न्यूज चैनल के माध्यम से। तो सुना आपने, तेज प्रताप यादव ने साफ तौर से लालू यादव को यह बात कह दी है और उन्होंने ये कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव, अगर आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज सुन रहे हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, तो अगर जगदानंद पर कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो तेज प्रताप यादव राजद के किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात तेज प्रताप यादव ने कह दी है और ये साफ तौर से एक तरह से कहा जाए कि अब राजद में टूट की स्थिति बनती चली जा रही है, जहां एक तरफ तेज प्रताप यादव खुद को तेजस्वी का कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बता रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव ने यह बात साफ कर दिया है कि अगर जगदानंद सिंह पर कार्रवाई लालू प्रसाद यादव ने नहीं की तो तेज प्रताप यादव राजद के किसी भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी कि अब एक तरह से देखा जाए तो तेज प्रताप यादव राजद से अलग होने की भी बात इनडायरेक्टली कह रहे हैं। वहीं वो ये भी साफ तौर से कह रहे हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये बात जिस तरह से सामने आई है और जिस तरह से ये बात की जा रही है उससे कहीं ना कहीं राजद के अंदर घमासान छिड़ता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच में भी कहीं ना कहीं वो स्थिति बन रही है। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति बनती है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से राजद जो छात्र राजद है उसके प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर दूसरे को बनाया गया है, उसे ही लेकर यह मामला गरमाया हुआ। तो अब आने वाले दिनों में देखना है कि क्या कुछ होता है और तेज प्रताप यादव क्या अपना रुख अख्तियार करते हैं। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।